नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला, शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के शहादत दिवस पर जमशेदपुर शहर वासियों ने उन्हें किया नमन। बिरसा नगर स्थित प्रतिमा स्थल पहुंच विधायकों ने अर्पित की श्रद्धांजलि। राज्य में अनलॉक 2 के तहत लागू हुए नए नियम, जमशेदपुर को छोड़ बाकी 23 जिलों में शाम 4 बजे तक दी गई छूट। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने लिया फैसला। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत कार्य कर रहे मजदूरों को नहीं मिल रहा है वेतन। 10 दिनों के कार्य के बाद मजदूरों को हटाया गया काम से। जुगसलाई नगर परिषद में किया विरोध। अब खबर विस्तार से। आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का 121वां शहादत दिवस है। आज ही के दिन 1900 में महज 25 साल की उम्र में रांची जेल में भगवान बिरसा मुंडा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। हालांकि आज तक भगवान बिरसा मुंडा के मौत का स्पष्ट आंकड़ा ना तो झारखंड सरकार जुटा सकी है, ना इतिहास के किसी पन्ने में उनके मौत का कोई सटीक प्रमाण उपलब्ध है। झारखंड अलग राज्य हुए 21 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब भी भगवान बिरसा राज्य के लिए प्रासंगिक नायक बने हुए हैं। आज पूरा राज्य उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके बताए आदर्शों पर चलने का प्रण ले रहा है। भगवान बिरसा ने महज 25 साल की उम्र में अंग्रेजी हुकूमत को नाको चने चबवा दिए थे। जमशेदपुर के बिरसा नगर स्थित भगवान बिरसा की प्रतिमा पर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय, घाटशिला विधायक रामदास सोरेन, सामाजिक कार्यकर्ता एवं भाजपा नेता पवन अग्रवाल ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके बताए आदर्शों पर चलने की प्रेरणा ली। विधायक सरयू राय ने भगवान बिरसा के संघर्षों की व्याख्या करते हुए उन्हें धर्मांतरण का सुर विरोधी बताया और आदिवासियों से उनका अनुसरण करते हुए अपने वास्तविक धर्म का पालन करने की अपील की। घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हुए राज्य के आदिवासियों के लिए CNT SPT एक्ट लागू कराया, जिनका परिणाम है आज राज्य के आदिवासियों को उनका अधिकार मिल रहा है। आज भगवान बिरसा मुंडा का शहादत दिवस है। रांची के जेल में अंग्रेजों ने आज ही के दिन, लोग कहते हैं कि 20 देकर उनकी हत्या करा दी। 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने जो किया वह आज देश और दुनिया के मानचित्र पर एक अव्वल स्थान रखता है। भगवान बिरसा मुंडा ने जो भी किया बचपन से लेकर 25 वर्ष की अवस्था में, उसमें एक बड़ी बात ये भी थी कि पढ़ाने के लिए बचपन में उनका धर्म बदल कर उनका नाम बिरसा डेविड रख दिया गया। मगर जब उनको जानकारियाँ मिली, धीरे धीरे प्रबुद्ध हुए, तो फिर से वे अपने मूल धर्म में आ गए, सरना धर्म में आ गए। तो ये भी एक उनका संदेश है कि भाई, जो लोग भी इस तरह से धर्मांतरण कर रहे हैं वो भी अच्छी बात नहीं है। अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया, जनता के अधिकार के लिए लिया, खास करके जल जंगल जमीन की लड़ाई उन्होंने की, आज भी प्रासंगिक है। अंतर यही है कि आज अपने देश की सरकार है, किसी पार्टी की भी रहे, पहले अंग्रेजों की सरकार थी, तो अपनी सरकारों से किस तरह से उनके जो विचार थे उसे अमल में लाए, इसके लिए विशेष कार्य की जरूरत। बिरसा मुंडा जी का पुण्यतिथि पर सबसे पहले बिरसा आबा को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बिरसा मुंडा की लड़ाई सीधे अंग्रेज हुकूमत के साथ उनकी लड़ाई थी, और यहाँ के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए जिन्होंने यहाँ के लोगों को, अपने समाज को एकत्र करके अंग्रेजों के खिलाफ में उन्होंने आवाज बुलंद की। आज बिरसा मुंडा की लड़ाई से ही जल जंगल जमीन की लड़ाई, यहाँ के कई लोग शहीद हुए, जिसका परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर क्षेत्र में बिरसा मुंडा का लड़ाई से CNT छोटानागपुर टेरेंसी एक्ट बना। यहाँ के आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी नहीं खरीद पाएंगे। झारखंड राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु लागू किए गए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत
अनलॉक 2 लागू किया गया है, जिसमें जमशेदपुर को छोड़कर बाकी के 23 जिलों में दुकानों को शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक संपन्न हुई, जिसमें राज्य के स्वास्थ्य सह आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता समेत तमाम विभागीय अधिकारी शामिल हुए। बैठक में राज्य के 24 जिलों में 23 जिलों को अगले आदेश तक थोड़ी ढील दी गई, जहां सभी जिलों में दुकानों को शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि जमशेदपुर में पूर्व की भांति ही दोपहर 2 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति है, क्योंकि जमशेदपुर में विगत दिनों कोरोना संक्रमण के मामले ज्यादा पाए गए, इस कारण जमशेदपुर को ये छूट नहीं दी गई है। साथ ही छूट पाने वाले 23 जिलों में पार्लर और सैलून खोलने की अनुमति दी गई है, जबकि बाकी तमाम नियम पूर्व के भांति ही है। वहीं एक महत्वपूर्ण निर्णय बैठक में लिया गया है, जिसमें राज्य भर में शनिवार शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा, जिसमें केवल इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। नहीं नहीं, अभी देखिए, अभी जो 23 जिले हैं, जिसमें जो पूर्व की भांति 23 जिले में जो जो चीजें खुल रही थी, खाली उसमें ये सैलून वगैरह बड़ा है और बाद बाकी सभी चीज़ें यथावत हैं, ठीक है। और एक जिला जो है जमशेदपुर, जमशेदपुर में 2 बजे तक ही खोला जाएगा। और इम्पोर्टेंट निर्णय ये हुआ है कि शनिवार को शाम 5 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कंप्लीट लॉकडाउन होगा, केवल इमरजेंसी चीज़ों को छोड़कर। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत कार्य किए मजदूरों ने किए गए काम के बदले भुगतान की मांग को लेकर नगर परिषद के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने नगर परिषद जुगसलाई पर कई गंभीर आरोप लगाए। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत जुगसलाई नगर परिषद को मजदूरों का रजिस्ट्रेशन कर उन्हें 100 दिनों का काम उपलब्ध कराना है। इस कड़ी में बेरोजगार मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करवाया गया और उन्हें सफाई का काम भी दिया गया, पर 11 दिनों के बाद उन्हें बैठा दिया गया। सफाई कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि अगर इस तरह से 10 दिन का काम देकर बैठा दिया जाएगा तो ऐसे में उनका घर परिवार कैसे चलेगा। रजिस्ट्रेशन किए हुए महिला पुरुष कर्मचारियों ने जुगसलाई नगर परिषद के समक्ष एकत्र होकर इस योजना का बहिष्कार किया। वहीं जानकारी देते हुए महिला कर्मचारी पिंकी प्रधान ने कहा कि जुगसलाई नगर परिषद द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत हर साल 3 महीने काम दिए जाएगा, इसका वादा किया गया था, जॉब कार्ड बनवाया गया था और 10 से 15 दिन काम लेने के बाद सभी को बैठा दिया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे में वे सभी कैसे काम करेंगे, कैसे घर चलाएंगे, अब जितने दिन काम किए हैं उसका पैसा मांग रहे हैं तो उसके लिए उन्हें दौड़ाया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने कहा कि वे सभी 30 कर्मचारी जाएं तो कहां जाएं, काफी देर हो हल्ला करने के बाद सारे कर्मचारी निराश होकर अपने घर लौट गए। हालांकि इस मामले में विभाग के तरफ से कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया गया है। सर, हम लोग को यहाँ हेमंत सोरेन के तरफ से ये जॉब कार्ड दिया गया था और बोला गया था कि साल में आप लोग को 3 महीना काम देंगे, हाँ, नगर परिषद के द्वारा। जब हम लोग को काम दिया गया तो हम लोग को अच्छा से काम लिया गया, उसके बाद 10-15 दिन करा के उसके बाद बोला कि अब आप लोग बैठ जाइए। हम लोग कारण पूछे कि क्या हुआ, अब हम लोग को बैठा दिया जा रहा है, तो नहीं बोले कि लड़का लोगों को रखा जाएगा, न्यू लड़का लोगों को और लेडीज लोगों को हटा दिया जाएगा। इसके बाद अब लड़का लोगों को भी हटाया जा रहा है और लेडीज को भी हटाया जा रहा है, तो सर हम लोग को काम से भी हट गए और ऊपर से पैसा जब हम मांग रहे कि कितना, हम लोग इतना दिन काम किए हैं, इतना दिन का हम लोग को पैसा दीजिए, पैसा के लिए भी हम लोग को यहाँ 2 सप्ताह या 1 सप्ताह से दौड़ाया जा रहा है। हम लोग को साल में 3 महीना का काम बोला गया, 15 ही दिन करवाया गया। हम लोग का मांग है सर, हम लोग यहाँ इस जगह में काम नहीं करना चाहते, यहाँ बहुत राजनीति है, हम लोग जितना दिन किए हम लोग को उतना दिन का पैसा दे दिया। जमशेदपुर के भुयाडी स्थित स्वर्णरेखा बर्निंग घाट में विधायक निधि से 19 लाख की लागत से इंसिनेटर मशीन लगाया गया, जो शमशान घाट में फैली गंदगियों का निष्पादन करेगी। शवों का निस्तारण करने के बाद जहां तहां गंदगी लोग छोड़ जाते हैं, जिससे शमशान घाट और नदी में प्रदूषण फैलता है। विधायक सरयू राय के प्रयास से अहमदाबाद से यह मशीन जमशेदपुर पहुंचा और राज्य का पहला शमशान घाट स्वर्णरेखा बर्निंग घाट बना, जहां यह मशीन लगाया गया है। इससे पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकने में सहूलियत मिलेगी।
सौ के साथ अर्थी लेकर यहाँ आते हैं, तो सौ को तो लोग आग के हवाले कर देते हैं या जो बिजली वाला है उसके हवाले कर देते हैं। वो जो चीज़ें साथ में आती हैं, कफन है, कपड़े हैं, रूई है, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, वे चीज़ें जगह जगह फेंक दी जाती हैं, नदी में चली जाती हैं, तो उसके कारण से गंदगी भी फैलती है। लोगों ने मेरा ध्यान इस पर आकर्षित किया कि एक मशीन ऐसी है जो अहमदाबाद में बनती है, उसको लोग हम लोग यहाँ लगा दें तो इसका समाधान हो जाएगा कि सौदाह के बाद जो कुछ वस्तुएँ रहती हैं जो गंदगी का कारण बनती हैं, उनका हम इंसिनेटर में जला दें, गंदगी का कारण ना बने। और इस राज्य में पहली मशीन है जो यहाँ लग रही है। सरायकेला खरसवा पुलिस ने एक बड़ी घटना को अंजाम देने से रोकने में सफलता हासिल की। घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को खरसवा पुलिस ने हथियार सहित दो युवक को धर दबोचा। सरायकेला एसपी मोहम्मद अरशी ने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। एसपी मोहम्मद अरशी ने बताया कि गुप्त सूचना पर आमदा थाना अंतर्गत फुटबॉल मैदान के पास कुछ संदिग्ध लोग बैठकर अपराध की योजना बना रहे थे। घटना को सत्यापन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला के नेतृत्व में टीम गठित किया गया। टीम जब घटना स्थल पर पहुंची तो वहां दो लोगों को बैठे देखा गया। पुलिस को देखकर दोनों भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। दोनों युवक की पहचान गर्दी सोय और सुनील पांड्या बताया। सर्च के दौरान गर्दी सोय के पास अवैध देसी लोडेड हथियार, दो जिंदा कारतूस, दो मोबाइल पुलिस ने जब्त किया। गिरफ्त में आए अपराधी पूर्व में भी जेल जा चुका है और सरायकेला खरसवा और चाईबासा के कई कांडों में वो संलिप्त है। पुलिस को गुप्त सूचना मिले कि आमदा ओपी अंतर्गत उदालखाम के पास कुछ लोग अपराध करने की योजना बना रहे हैं और कुछ दिनों से वहां पे कुछ संदिग्ध गतिविधि चल रही थी। उसके आधार पे इंस्पेक्टर सरायकेला एवं ओपी प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने वहाँ पे छापा मारा। अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला के नेतृत्व में उसके दौरान दो व्यक्ति वहाँ पे मौजूद थे जो पुलिस को देख के भागने लगे, तो पुलिस ने उनको दौड़ा के पकड़ा। एक का नाम गार्दी सोए और दूसरा सुनील पांड्या, दो व्यक्ति गिरफ्तार हुए। उसमें तलाशी लेने पर गार्दी सोए के पास से 7.65 mm का एक पिस्टल और दो जिंदा गोली उसके पास से बरामद हुई। जमशेदपुर के टेलको थाना अंतर्गत खड़ंगाझार स्थित मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के संचालक हरपाल सिंह और CWUC की अध्यक्ष पुष्पा रानी तिर्की और अन्य लोगों पर ट्रस्ट में रहने वाली दो लड़कियों के द्वारा यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद पुलिस के द्वारा दोनों लड़कियों का 164 के तहत न्यायालय में बयान दर्ज करवाया गया, जिसके बाद टेलको पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मदर टेरेसा वेलफेयर सेंटर के संचालक समेत अन्य चार लोगों पर मामला दर्ज कर गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। इधर शमशेद टावर के रहने वाले लोगों ने आज जमशेदपुर के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंप हरपाल सिंह और अध्यक्ष पुष्पा तिर्की को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की। वहीं लोगों का कहना है कि पिछले कई महीनों से फ्लैट के लोग परेशान हैं, उन दोनों के द्वारा फ्लैट के लोगों को डराया धमकाया जाता है। कई बार टेलको थाने में शिकायत करने के बाद भी इन पर कार्रवाई नहीं हुई। आज इन लोगों ने उपायुक्त से मुलाकात कर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर कार्रवाई की मांग की। कथित रूप से मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट के संचालक और उनकी पत्नी जो CWC की अध्यक्ष हैं पुष्पा रानी तिर्की जी, इन लोगों के ऊपर कथित रूप से यौनाचार का आरोप लगा है। जिला उपायुक्त महोदय के संज्ञान में यह विषय को ले रहा हूँ, क्योंकि जुबेलाइन जस्टिस एक्ट का यहाँ सरासर उल्लंघन हुआ है और एक्ट के क्लॉज 27 में ये प्रावधान है कि यदि CWC के किसी भी सदस्य पर किसी प्रकार का उत्पीड़न का आरोप लगता है तो धारा 27 कंडिका 6 में स्पष्ट उल्लंघन है कि DM साहब के आदेश पर उनके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी और जब तक इंक्वायरी चलेगी तब तक वो जो सदस्य है वो बर्खास्त रहेंगे अपने पद से। तो हम ये आग्रह करने आए हैं कि उन्हें जब तक ये चूँकि संगीन मामला है और हम उनसे आग्रह करते हैं कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अविलंब उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जो भी अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी हो और उन्हें अविलंब पदच्युत करते हुए उन पर सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
जमशेदपुर में नमन संस्था के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा के पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया, साथ ही भगवान बिरसा मुंडा के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रण लिया। इस दौरान सभी ने भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। मौके पर संस्था के संस्थापक अमरप्रीत सिंह काले ने कहा कि धरती आबा बिरसा मुंडा ने मात्र 25 वर्ष की आयु में देश के अंदर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उलगुलान किया था। उन्होंने स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए ये उलगुलान किया और अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। उन्होंने देश को स्वतंत्र करने हेतु अपनी शहीदी दी थी, इस कारण उन्हें देशवासियों ने भगवान का दर्जा दिया। उनके पुण्यतिथि के मौके पर हम समस्त देशवासियों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लेते हैं। आज प्रत्येक वर्ष की भांति धरती आबा, जिस झारखंड की मिट्टी में हमारा जन्म हुआ और जहां की धरती ने बताया पूरे विश्व को कि अगर माँ भारती को गुलाम करने का कोई प्रयास करेगा तो सही समय पर उलगुलान होगा। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की आज पुण्यतिथि है, पूरा झारखंड पूरा देश आज उनको नमन करता है। मात्र 25 साल की आयु में उन्होंने वो सब कर दिखाया जो आज 25 साल का नौजवान सोचता भी नहीं है। आज धरती आबा जी को जब हम चरणों को नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तो उनसे हम ये प्रार्थना करते हैं, हम नौजवानों के अंदर में इतनी ऊर्जा दे, हमारे अंदर में वो ताकत दे कि इन तमाम चीजों को हम मुखर होकर के देख सके, बात कर सके, क्रियान्वित कर सके और जहां कोई गलत है उसकी आवाज को बुलंद कर सके। जमशेदपुर के बिरसा नगर थाना अंतर्गत मर्सी अस्पताल के समीप एक सरकारी जमीन को कुछ भू माफियाओं के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। इसकी शिकायत स्थानियों ने जिले के उपायुक्त से की। स्थानियों के अनुसार आदित्यपुर निवासी एक व्यक्ति के द्वारा उक्त जमीन को कब्जा कर बेचने का प्रयास किया जा रहा है, जिस पर रोक लगनी चाहिए। यहां तक कि जमीन के पास एक नाला भी है जिसे भी अतिक्रमित किया जा रहा है। उक्त जमीन में स्थानीय बच्चे खेलते हैं। इन्होंने जिले के उपायुक्त से इस अतिक्रमण पर रोक लगाने की मांग उठाई है। मामला ये है कि सर, जो आदित्यपुर निवासी सुबोध कुमार शर्मा जो हैं, हमारे यहाँ अवैध रूप से जमीन का अतिक्रमण, जो नाला किनारे जो जमीन है उसका अवैध रूप से अतिक्रमण कर प्लॉटिंग काट कर अवैध रूप से दूसरे जो ये है उनको बेचना चाह रहे हैं, उस जमीन को भी अतिक्रमण करके, और बच्चे लोगों जो है पार्क में जो पार्क है खेलने कूदने के लिए जाते हैं उस जमीन को अवैध तरीके से ये लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है और उसको खरीद बिक्री का जो काम कर रहा है उसको रोक लगे, ये मैं सरकार से विनती करना चाहता हूँ। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG News की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।